गांव में बहुत बड़े पैमाने पर जगह जगह दूध की डेयरियां खुल रही हैं। गांव के व्यक्ति अपने घर की जीविका चलाने के लिए खेती के साथ साथ पशुपालन पर भी खास ध्यान देता है। वह चाहता है कि पशुपालन से ज़्यादा लाभ ले। वह दुधारू भैंस व गाय रखकर अपनी जीविका चलाता है। वह दूध बेचकर मुनाफा कमाता है। गांव में बहुत बड़े पैमाने पर जगह जगह दूध की डेयरियां खुल रही है और ऐसे में लोग दुधारू जानवर को ही रखना पसंद करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी गाय के बारे में बताएंगे जिसे आप अपने पास रखकर कम लागत में एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यह सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है गिर। नहीं भाई ठहरिए, यह है गिरलैंडो। गिर के गिरलैंडो होने की कहानी बड़ी रोचक है। आज़ादी से पहले गुजरात के जसदन इलाके के एक राजा ने उस समय गायों को ब्राज़ील भेजा था। उस समय पशुओं को लाने वाले जाने पर पाबंदी नहीं होने के कारण गिर नस्ल की गाय वहां भेजी गई। दरअसल 18वीं शताब्दी में भावनगर के एक महाराजा ने गिर नस्ल की सांड व गायों को ब्राज़ील को तोहफे के रूप में दी थी। ब्राज़ील ने भारत की देसी नस्ल की गायों का लगातार संरक्षण किया। यह प्रजाति वहाँ खूब पली बढ़ी। ब्राज़ील में गिर और हालिस्टन को मिलाकर एक नस्ल तैयार किया गया गिरलैंडो, जिनका दूध क्षमता एक दिन का 40 से 45 लीटर था। गिरलैंडो अपनी शक्ल हालिस्टन और गिर से लेता है। यह रंग में काला और सफ़ेद हो सकता है, लेकिन यह क्रास में प्रत्येक के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकता है। इसके कान गिर की तरह बड़े होते हैं। गिरलैंडो लगभग 30 महीना में बच्चा पैदा करना शुरू कर देती हैं। 2016 में गिरलैंडो नस्ल की ब्राज़ील में पता चलने के बाद पंजाब डेयरी विभाग की विशेषज्ञों ने ब्राज़ील का दौरा किया। वहां पे जा करके उसके दूध देने की क्षमता को देखा। क्वालिटी और रखरखाव में कम खर्च और गर्मियों में दूध देने की क्षमता जैसे बने रहने से भारत के वातावरण के अनुकूल बन रही थी। ब्राज़ील से लौटने के बाद 2017 में गुजरात के गिर गायों को पटियाला ब्रीडिंग केंद्र लाया गया। इसके बाद गिरलैंडो नस्ल की गायों को पंजाब में पैदा करने का काम शुरू हुआ, जो फिलहाल शुरुआती चरण में है। जानकारी के लिए आप लोग को हम बताना चाह रहे हैं कि गिरलैंडो दो तरह की होती हैं, एक ब्राज़ील की गिरलैंडो और एक भारत की। जो भारत की गिरलैंडो है उसमें हल्का लालिमा देखने को आप लोग को मिलेगी और ब्राज़ील में सफ़ेद छिट्टेदार जगह जगह पे दाग और कालापन। अपनी जीविका चलाने के लिए यह गाय सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आप लोग इसे आसानी से अपने घर पर रख सकते हैं, इसके दूध को बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। चौसा के मेला मंडी में यह गाय कभी कभार देखने को मिलती है। तो जब भी आप लोगों को दूध से मुनाफा कमाना होगा, दूध बेच के पैसा कमाना होगा, तो आप लोग इस तरह की गाय को रखें। किसी भी माहौल, किसी भी परिस्थिति में, कितनी भी भीषण गर्मी हो, आसानी से रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। और एचएफ और जर्सी जैसी गायों को रखेंगे तो वो सब गाय बीमार होंगी, कहीं ना कहीं आप लोग का नुकसान होगा। तो गिरलैंडो को बहुत ही आसानी से अपने यहाँ रख सकते हैं और इससे बहुत ही कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।